आज हम लोग सीखेंगे अंग से अंगूर। इससे पहले हम आगे का देखते हैं कि हमने उससे पहले क्या सीखा था। तो सबसे पहले हमने सीखा था छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटे ऊ से उल्लू, बड़े ऊ से ऊन, री से ऋषि, ऐसे ऐड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत। अब औ से औरत के बाद आता है अंग से अंगूर। पहले देखते हैं अंग से क्या क्या होता है। तो अंग से अंगूर, अंग से अंगूर, अंग से अंडा, अंग से अंडा, अंग से अंडा, अंग से अंगूठा, थम। देखा है ना, अंग से अंगूठा, अंग से अंडा, अंग से अंगूर। अब अंग कैसे लिखते हैं, अब ये लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले ये लाइन है, ये अंग। अब इसको कैसे लिखते हैं देखिए। सबसे पहले ये जानिए, हम लोगों ने लिखना सीखा था छोटे आ से अनार। जैसे छोटे आ से अनार लिखना सीखा था, वैसे ही यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे छोटा आ। तो ये लिखा हमने छोटा आ। अब इसको अंग से अंगूर कैसे बनाएंगे, अंग कैसे बनाएंगे, इसके ऊपर हम ये बिंदी। पहले छोटा आ लिखा और उसके बाद ये बिंदी, ये छोटा आ और उस पर ये बिंदी, ऐसे। ये हो गया हमारा अंग से अंगूर, अंग से अंगूठा, अंग से अंडा। तो ये हमने अंग लिखना सीखा। ऐसे ही आपको और प्रैक्टिस करनी है। अब हम लिखना सीखेंगे आहा खाली। तो आहा खाली, आहा आहा से कुछ नहीं, आहा खाली, आहा खाली। अब ये आहा खाली कैसे लिखा जाता है देखिए। ये ऐसे, ये आ बनाया हमने अंग से अंगूर में, क्या किया था, ऊपर बिंदी की थी, ऊपर रखी थी ना बिंदी। अभी हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर बिंदी करेंगे। आहा खाली में हमें ये साइड में दो बिंदी, ऐसे आ बनाया और ये दो साइड में बिंदी, ये दो डॉट रखेंगे हम बस साइड में। जैसे अंग से अंगूर में हमने ऊपर बिंदी की थी, बिंदु लगाई थी, ऐसे ही आहा खाली में हमें साइड में दो बिंदु रखनी होती है, जैसे इसमें रखी हुई है। देखिए ऐसे ही, जैसे मैं बना रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ, वैसे ही आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। आहा खाली।
तो ये हमारा हो गया आ खाली। अब एक बार हम स्टार्टिंग से छोटे आ से और आहा तक एक बार फिर से लिखेंगे। इसकी आप पूरी प्रैक्टिस करना है आपको, और हम लोग एक बार फिर से आ तक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे आपको लिखना आता है, एक बार फिर से सारा। छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी इसे इमली, बड़ी इसे ईख, छोटे उसे उल्लू, बड़े उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। तो अब ये सारा आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है आ से लेकर आहा तक।